दोस्तों हमने ये एक बैटरी तैयार की है, एक कस्टमाइज बैटरी है जो कि 12 वोल्ट 12 एम्पियर की है, और ये एक लिथियम फॉस्फेट है। ये फुल चार्ज होने के बाद यहाँ पे जो है 13 वोल्ट दे रही है जो कि एकदम परफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक कस्टमाइज बैटरी बना के दिखा रहा हूँ। ये एक हमारे कस्टमर ने ऑर्डर की है, एक बैटरी जो कि 12 वोल्ट और 12 एम्पियर की लिथियम फॉस्फेट बैटरी होने वाली है। फ्रेंड्स, हम लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट दोनों टाइप की बैटरी बनाते हैं। दोनों बैटरी में काफ़ी अंतर है, प्राइस में भी अंतर है और इनकी लाइफ में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। वहीं अगर लिथियम बैटरी 3 से 4 साल चलती है तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी 7 से 10 साल तक आसानी से चल जाती है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2500 साइकिल होती है, यानी कि आप इसको 2500 बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हो। काफ़ी अच्छी इसकी लाइफ हमें मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये एक फुली कस्टमाइज बैटरी है 12 वोल्ट और 12 ईएच की। इसमें जो हम बीएमएस लगाएंगे वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक बीएमएस लगाएंगे, जहाँ पे हमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग का भी सिस्टम मिल जाता है। टोटल इसमें जो 8 पीस सेल यूज़ किया जाएंगे, क्योंकि जो एक सेल है वो 3.2 वोल्ट का है और कैपेसिटी उसकी 6000 mAh है, मतलब कि 6 एम्पियर का एक सेल है और 3 वोल्ट का है। तो हम जब 3 वोल्ट के 4 सेल को सीरीज करेंगे तो हमारा 12 वोल्ट बनेगा, और 6 एम्पियर के 2 सेल को हम पैरेलल करेंगे तो हमारा 12 एएच भी बन जाएगा। तो 12 12 की ये बैटरी होने वाली है। प्रॉपर तरीके से हमने बनाई है, सार खाए अच्छी तरीके से, इस पर इंसुलेशन वॉशर लगाए गए हैं, साथ ही अपॉक्सी सीट, अच्छी क्वालिटी के टेप और हीट सिंक यूज़ की गई है। प्रॉपर तरीके से निकल स्ट्रिप के साथ इसके कनेक्शन किए गए। सारी चीज़ मैं आपको वीडियो के आगे दिखाऊंगा किस तरीके से हमने इसको बनाया। कि बैटरी कोई बनाना चाहते हो तो वीडियो देख के बना सकते हो, काफ़ी इजीली होता है ये बैटरी बनाना। और इससे रिलेटेड सारा रॉ मटेरियल लेना चाहो तो वो हमारे पास से ले सकते हो। आप जो हमारा स्टोर देख रहे हो sarvamart.in साइड में, यहाँ पे आपको बैटरी बीएमएस से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। ऑल टाइप के बैटरीज मिल जाएंगी, बीएमएस, निकल स्ट्रिप, वॉशर, इसके जो भी लगेगा, स्पेसर वगैरह, हीट सिंक स्लीव, हमारे स्टोर से आप ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ से सारा इसका रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। और कंप्लीट चाहिए आपको रेडीमेड बैटरी पूरी बनी हुई, वो भी आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर देंगे हम, प्राइस वगैरह और किस तरीके से आप ऑर्डर करें। हम आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करा देंगे, खुद से बनाना चाहो खुद से भी बना लीजिए, या आप बनी हुई लेना चाहो तो आप बनी हुई भी ले सकते हो हमसे। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे व्हाट्सअप स्टोर पर बता दी जाएंगी किस तरीके से आपको ये बाई करनी है। तो आप जाके एक बार मैसेज ज़रूर करना, आपको सारी डिटेल्स जो हम फॉरवर्ड कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो किस तरीके से इस बैटरी को बनाए। इस बैटरी को बनाने के लिए सबसे पहले और सबसे कॉमन चीज़ होती है इस टाइप के सेल। ये 32700 का सेल है, ओरिजिनल सेल है 32700 का 3.2 वोल्ट, और ब्रांड न्यू सेल है। यहाँ पे डेट भी पड़ी हुई है 1/5/2024, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये सेल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस टाइप के ये इंसुलेशन वॉशर चाहिए, और ये बीएमएस हो गया। इसमें यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जो कि मॉनिटरिंग करेगा, और इसकी जो आईसी है कंट्रोल आईसी, स्मार्ट आईसी है। यहाँ पे बैटरी का जो फ्रेम बनाने के लिए हमें इस तरीके के स्पेसर चाहिए, इन्हें स्पेसर बोले जाते हैं, और ये अलग अलग साइज़ में आते हैं। जिस टाइप का आपका सेल होगा उसी टाइप के आपको स्पेसर लेने होंगे। कुछ जनरल प्रोडक्ट चाहिए जैसे टेप वगैरह, निकल स्ट्रिप और हीट सिंक स्लीप वगैरह। ये सारे सामान इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले हमें इससे एक बैटरी का फ्रेम बनाना होता है। ये फ्रेम जो है 4x2 का रहेगा, जिसमें 4 सेल को हम सीरीज करेंगे और 2 सेल को हम पैरेलल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ ऊपर के लिए और एक फ्रेम नीचे के लिए, इसमें 2 फ्रेम लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 8 सेल की ज़रूरत है, तो मैं 8 सेल के पॉजिटिव साइड इस टाइप के इंसुलेशन वॉशर लगा लेता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव साइड इंसुलेशन हो जाता है तो अच्छा रहता है। क्योंकि इस बैटरी की जो पूरी बॉडी है वो नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से टच ना हो जाए, इसलिए मैं ये लगाता हूँ। इससे बैटरी की क्वालिटी बढ़ जाती है, लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद मैं सेल को फिट करूँगा। 2 सेल को मैंने पॉजिटिव ऊपर रखा है, फिर नेगेटिव नीचे, फिर पॉजिटिव ऊपर, फिर नेगेटिव ऊपर। इस टाइप से मैंने जो है इसको यहाँ पर फिट कर लिया। इससे जो इसके कनेक्शन है काफ़ी ईजीली हो पाएंगे। यहाँ पे मैंने ये ऊपर की साइड एक फ्रेम लिया है और मैं इसे ऊपर की साइड फ़िट कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दबाने के बाद ये फिट हो गया, आप देख सकते हो। अब मैं बीएमएस का मेजर लेके और जो इसके एक्स्ट्रा यहाँ पे जो पार्ट हैं मैंने कट कर देता हूँ कटर से, जिससे कि ये इजीली यहाँ पे बीएमएस फिट हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैंने कटर से निकाल देता हूँ कट करके। इसके बाद यहाँ पर मैं निकल स्ट्रिप लूँगा कुछ इस तरीके से, और मैं मेजर करके निकल स्ट्रिप कट कर लेता हूँ। यहाँ पर काफ़ी पीस यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं सारे साइज़ इस पर मेजर कर करके कट कर रहा हूँ। और ये जो निकल स्ट्रिप है ओरिजिनल निकल की बनी होती है, और इसका जो साइज़ है वो 8 mm है। 8 mm काफ़ी एम्प्स को हैंडल करेगी अच्छी तरीके से। यहाँ पे सारे ये कट होने के बाद अब मैं इस पर स्पॉट वेल्डिंग करूँगा। तो मैं अभी जो कनेक्शन कर रहा हूँ ये पैरेलल कनेक्शन है, इसमें बैटरी का एम्प्स जुड़ रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हो, और मैं कई जगह इसमें जो है शॉर्ट लगा रहा हूँ स्पॉट वेल्डिंग के, जिससे कि अच्छी तरीके से लग जाए। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकली स्ट्रिप निकाल लेता हूँ, ये अपने BMS पे जाके लग जाएगी पॉजिटिव साइड। एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि छोटी पड़ जाती तो दिक्कत आती, बड़ी है तो उसको हम काट देंगे, काफ़ी चीप होती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और निकली स्ट्रिप का टुकड़ा लूँगा और इसमें से नेगेटिव मैंने बाहर की साइड निकाल लिया है थोड़ा सा, जहाँ पर हम वायर कनेक्ट कर सकें। अब मैं पॉजिटिव साइड कर रहा हूँ, फिर मैं नेगेटिव साइड कर दूंगा यहाँ पे। फिर मैंने थोड़ा सा नेगेटिव साइड का बड़ा ले लिया है क्योंकि हमें फिर यहाँ से भी एक वायर निकालना है बाद में। तो यहाँ पे मैं स्पॉट वेल्डिंग करता जा रहा हूँ, स्पॉट वेल्डिंग एक साइड होने के बाद दूसरी साइड कराऊँगा, और यहाँ पे भी मैं नेगेटिव को निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी हमें कनेक्शन देने होंगे इसमें BMS के साथ। तो यहाँ पे भी मैं स्पॉट वेल्डिंग करता जा रहा हूँ। तो अभी ये जितने भी कनेक्शन चल रहे हैं, ये कनेक्शन पैरेलल के चल रहे हैं, ना कि सीरीज के चल रहे हैं। सीरीज के मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगा, सब चीज़ समझाऊंगा। अब ये बैटरी का नेगेटिव आ चुका है, इस पर भी मैं कर लूँगा, और ये यहाँ पे जो फाइनल कनेक्शन हमारे पैरेलल के हो जाएंगे इस पॉजिटिव को कनेक्ट होते ही। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव मैंने कनेक्ट कर लिया और 6-6 जगह मैंने इस पर स्पॉट का टांका लगाया है, स्पॉट का शॉट दिया है, जिससे कि ये बैटरी में जो है कोई लूज पॉइंट ना रहे, प्रॉपर तरीके से लग जाए। अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव को छोड़ दिया, आप देख सकते हो नीचे की साइड आपको दिख रहा होगा, और ऊपर की साइड अब मैं इस पर जो है स्पॉट वेल्डिंग कर रहा हूँ, और दो दो निकल स्ट्रिप लगाता चल रहा हूँ, हर एक बैटरी के साथ एक स्ट्रिप प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पर भी कर ली और अब मैं यहाँ पर भी करूँगा। अब ये जो कनेक्शन है, अब आप देखो कि पहली बैटरी का बंच दूसरी बैटरी के बंच से जुड़ चुका है, और चौथी बैटरी का बंच तीसरी बैटरी से जुड़ चुका है, और फिर मैं इसमें जो पलट के कनेक्शन करूँगा तो दूसरी और तीसरी बैटरी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको प्रॉपर स्पॉट वेल्डिंग करनी है क्योंकि इस पर सारा लोड होने वाला है निकल स्ट्रिप के बाद। अब आप देखो कि दूसरी और तीसरी बैटरी के बंच पे मैं इन्हें आपस में जोड़ रहा हूँ, ये जो कनेक्शन है अब सीरीज़ के कनेक्शन हैं यहाँ पर, और अब बैटरी के एम्प्स और बोल्ट दोनों जुड़ चुके हैं, फाइनल हमारा जो काम हो चुका है स्पॉट वेल्डिंग का। अब मैं यहाँ पे जो है BMS लूँगा, इसे यहाँ पे लगा दूँगा जो मैंने पहले ही मेजर कर लिया था, ये देखिए निकल स्ट्रिप यहाँ पे आ गई, और अब इसको मैं डबल साइड टेप से यहाँ पे चिपका लेता हूँ BMS को सेल के साथ, और यहाँ पे जो है मैं इसको सोल्डिंग करूँगा। पेस्ट लगाई मैंने, फ्लक्स लगाई अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से, और फ्लक्स लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसको गर्म करके शोल्डर आयरन की मदद से जो है निकल स्ट्रिप को BMS के साथ जोड़ दूँगा। इससे जो है हमारे कनेक्शन पॉजिटिव का लग चुका। अब फ्रेंड्स जितने भी इसमें लूप हैं, ठीक है, जैसे कि B1, B2, B3 यहाँ पे लिखा होता है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ये नॉर्मल में वायर ले रहा हूँ कॉपर के, और ज़्यादा मोटे नहीं हैं क्योंकि इनके ऊपर लोड नहीं आने वाला है, इन तीन वायर के ऊपर जो कि साइड से लग रहे हैं। ये सिर्फ वोल्टेज सेंसिंग के लिए होते हैं कि हर एक सेल में कितना वोल्ट है, कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ये माइक्रो कंट्रोलर IC यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पे मैं ये कनेक्शन कर लेता हूँ बीच बीच के, जैसे B1, B2 और B3 के। उसके बाद एक वायर हमें और लेना होगा, और ये मैं हैवी वायर ले रहा हूँ 2.5 mm का, ठीक है, ये कॉपर का 2.5 mm का वायर है नेगेटिव। अब जो बैटरी का नेगेटिव है इसके ऊपर फुल लोड होने वाला है, जो बैटरी का पूरा करंट है इसी वायर से फ्लो होगा। तो यहाँ पर मैंने हैवी वायर यूज़ किया है जो आप ये येलो कलर का देख रहे हो, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने शोल्डरिंग की है क्योंकि बैटरी का डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का लोड इस येलो वायर के ऊपर होने वाला है, और जो पॉजिटिव है वो तो हमारा यहाँ पर लग ही चुका है, आपने देख ही लिया डायरेक्ट बैटरी और BMS के साथ निकल स्ट्रिप से। अब यहीं पर आपको दो पॉइंट दिख जाएंगे जहाँ पर लिखा होगा P+ और P- यानी कि पावर का पॉजिटिव और पावर का नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं हेविल्स के अच्छी क्वालिटी के वायर यूज़ कर रहा हूँ कॉपर के 1.5 mm के, और ये मैंने दो वायर यहाँ पर लिए हैं 1.5 mm के, पॉजिटिव नेगेटिव पे मैंने दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं। हालांकि मेरे पे अलग अलग कलर के नहीं थे, तो मैंने जो दोनों वायर ब्लैक कलर के लिए, और पॉजिटिव के ऊपर एक रेड स्लीव चढ़ा दिए, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड स्लीव को मैंने माचिस से गर्म करके इस पर चिपका दिया है। अब जो इसका यह सेंसर है टेम्परेचर वाला, इसको भी मैं सेल पर चिपका देता हूँ, जिससे कि सेल का टेम्परेचर होगा वो BMS को पता रहेगा। उसके बाद ये मैंने अपॉक्सी शीट ली है, पहले से इसको सारा मैंने मेजर करके कट करके रख लिया है। मैं इस तरीके से इस बैटरी को अपॉक्सी शीट के अंदर कवर कर दूंगा, ये चारों साइड से कवर हो चुकी है। अब ऊपर और नीचे यानी कि बैटरी के जहाँ पे BMS है और पीछे की साइड, यहाँ पे भी मैं एक एक स्लेट इसकी लगा दूंगा अपॉक्सी शीट की, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जो है टेप यूज़ करना है अच्छी क्वालिटी का, या तो पेपर टेप यूज़ किए या थ्रेड टेप, तो मेरे पास पेपर टेप है फिलहाल, तो मैंने पेपर टेप ही इसमें लगा दिया है।
और प्रॉपर तरीके से मैंने मेजर करके कट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक साइज़ अच्छी तरीके से इस पर फिट बैठ पा रहा है यहाँ पे, और मैं साइड मिला के इसको अच्छी तरीके से टेप से चिपका देता हूँ। यहाँ पे हमारी बैटरी का लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ इसको कवर करना बाकी है इसकी लुक आए। और इंसुलेशन के लिए यहाँ पे अफॉक्सी सीट लग चुकी है, और एक और लेयर अभी आएगी इसके ऊपर हीट सिंक स्लीव की। तो यहाँ पे मैंने साइड से कट कर चिपका दिया हीट सिंक स्लीव को, पहले टेप लगा रहा हूँ और अब इसको साइड से यहाँ पे लगा देता हूँ। ये दोनों साइड लगेगी बैटरी के, एक लेयर इस टाइप से और फिर इसके बाद एक और लेयर आएगी। तो यहाँ पे पहले मैंने साइड से इसको कवर कर दिया है, और फिर मेजर करके मैं एक और टुकड़ा लूँगा हीट सिंक स्लीव का और उसे भी यहाँ पे जो है चढ़ा दूँगा। ये देखिए ये वाला जो मैं टुकड़ा ले रहा हूँ इस टाइप से, इसको मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगा। यहाँ पे चढ़ने के बाद ये चढ़ गया इसके ऊपर फाइनल, और ये चढ़ने के बाद अब इसको मैं हॉट एयर गन से गर्म करके कम्प्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये कम्प्लीट हो गई है, और मैं प्रॉपर तरीके से इसको हीट दे रहा हूँ चारों साइड से। यहाँ पे आप देखो कि प्रॉपर हीट देने के बाद ये कितनी अच्छी तरीके से इस पर टाइटली चिपक चुका है। एकदम बैटरी का आप लुक देख सकते हो, टॉप क्वालिटी की एकदम बैटरी बन के रेडी है, कहीं से भी कहीं से उभरी नहीं दिख रही, कोई इसमें गैप नहीं है। प्रॉपर तरीके से हर एक साइड जो है यहाँ पर बराबर हैं, और पूरी तरीके से कवर है यहाँ पर अफॉक्सी सीट से। कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है आप देख सकते हो, बैटरी की फिनिशिंग वगैरह लुक वगैरह कहीं पे भी एक्स्ट्रा इसमें जो है फालतू कोई चीज़ नहीं है, जैसे हीट सिंक ये रह जाती है। प्रॉपर तरीके से मैंने इसको मेजर करके ही चढ़ाया है। अब मैं आपको इसके वोल्टेज दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब वोल्टेज देख सकते हो कि 13 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि एकदम परफेक्ट हैं बैटरी के लिए ये, क्योंकि ये फुल चार्ज है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऑर्डर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।